एक बार चंदरपुर नाम का गांव था। वैसे तो ये गांव काफी खुशहाल था, लेकिन वहां कई दिनों से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। वहां रात में अमावस्या के दिन लोगों को कुछ भूतिया आवाजें आने लगती। एक रात गांव में बड़ी जोर जोर से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं, और अगली सुबह, अरे पतंग, कुछ आवाज सुने थे रात में? पहले तो इतना जोर से नहीं आवत रही, लेकिन कल तो बहुत जोर से आ रही थी। धत, अब यही काम रह गया है, रात भर जाकर चौकीदारी करें कि क्या क्या आवाजें आ रही थी। तुम भी ना राजू भाई, हम तो तोरी भाभी के साथ रहे, रात भर उसी के खर्राटे की आवाज आवत है। अरे ना 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 पुत्तन भैया, हम सही कह रहे हैं, रात में बहुत आवाज आ रही थी किसी औरत के रोने की। हम ही नहीं कहते हैं, गांव के और लोग भी बतावत हैं यही बात। लेकिन पुत्तन राजू की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। उसी गांव में कल्लू और गोरी नाम के दो पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हाय मेरी जान, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? अरे छोड़ो जानू, जब अपना मतलब होता है तो चले आते हो लुलु लुलु करके। फिर एक दिन गोरी को अपने माँ बाप की तबीयत खराब हो जाने का पता चलता है। कल्लू, माँ और बाबूजी की तबीयत खराब है, हमें आज ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। हाँ हाँ गौरी, हमें आज ही जाना चाहिए। ऐसा कहकर गोरी और कल्लू गोरी के माँ बाप के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों निकलते हैं, उन्हें पुत्तन मिल जाता है। अरे कल्लू भैया, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? दोबारा हनीमून का इरादा है क्या? अरे क्या पुत्तन भैया, जब देखो तुमको तो ठरकपन सूझत है। अरे तोहरी गौरी भाभी के अम्मा बाबूजी की तबीयत खराब है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी कल्लू भाई, लेकिन आज अमावस है, हमारी मानो तो कल सुबह चले जाना, रात का मामला है। और रास्ते में वो भुतुआ जंगल भी आता है, और सुना है कि अमावस की रात भूतों और चुड़ैलों की शक्ति काफी बढ़ जाती है, और आज तो अमावस ही है। अरे यहाँ मेरे माँ बाप की जान जा रही है और तुम दोनों प्रपंच करने में लगे हो, चुपचाप चले चलो, नहीं तो मैं चुड़ैल जरूर बन जाऊंगी। गोरी की ये बात सुनकर कल्लू और पुत्तन दोनों डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। उसके बाद गोरी और कल्लू दोनों गोरी के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कल्लू पुत्तन की बात सुनकर अंदर ही अंदर काफी घबरा जाता है। गौरी, हम लोग निकल तो आए हैं, लेकिन अगर उस नास मिटे पुत्तन की बात सच निकली तो जैसा कि वो मनहूस मारा कह रहा था, है? हे भगवान, ना जाने कैसा पति मिला है मुझको। अरे तुम्हें इतना डर लग रहा है तो अभी वापस चले जाओ और उस नास मिटे दोस्त पुत्तन से जाके लिपट जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगी। गोरी को गुस्से में देख कल्लू कुछ नहीं कहता और चुपचाप चलने लगता है, लेकिन कल्लू को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अरे गौरी, तुमने कुछ आवाज सुनी? कैसी आवाज, तुम आज घर चलो, वहीं बताती हूँ तुम्हें। इतने डरपोक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। तभी कल्लू को एक चुड़ैल जैसी औरत दिखाई देती है, लेकिन वो गोरी के डर से कुछ नहीं बोलता। वो चलते चलते गोरी के गांव के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोरी के माँ बाप बाहर आते हैं। अरे नहीं गौरी बेटा, कुछ नहीं, थोड़ी सी तबीयत खराब है। लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। तभी पिताजी की नजर कल्लू पर पड़ती है। और कल्लू बेटा कैसे हो, डरने की आदत टूटी या नहीं कि आज भी रात में डर लगता है? अरे क्या पिताजी, मैं कहाँ डरता हूँ, मैं अपने गांव का सबसे बहादुर मर्द हूँ। चलो अभी रास्ते का हाल बता दूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर, चूहे कहीं के। उसके बाद दोनों कमरे में चले रात में। अरे गौरी डार्लिंग, याद है मैं पहली बार
तुमसे इसी कमरे में मिला था। तो क्या करूं? उसी दिन का अफसोस है मुझे जो तुम जैसा निकम्मा पति मिला। कल्लू उसकी डरावनी आवाज सुनकर डर जाता है और सो जाता है। रात में सोते समय उसे अपने बेड के पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। अरे मर गया रे, ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? लेकिन इस गौरी को बताऊंगा तो मेरा खून पी जाएगी। ऐसा कहकर कल्लू फिर से सो जाता है और डर के मारे गौरी को कुछ नहीं बताता। अगली सुबह वो अपनी सास के पास जाता है। अरे मम्मी, रात में मुझे अपने बेड के पीछे से कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम थक गए थे, शायद तुमने नींद में कोई भयानक सपना देख लिया होगा, कुछ नहीं है। फिर उसी रात कल्लू और गौरी सो रहे होते हैं कि तभी कल्लू को वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं और वो जाग जाता है। वो देखता है कि गौरी वहाँ नहीं है। अरे ये रात में गौरी कहाँ चली गई? एक तो ये डरावनी आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ऊपर से ये गौरी जाने कहाँ चली गई। कल्लू गौरी को यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे गौरी कहीं नहीं दिखती। हे भगवान, ये रात में गौरी कहाँ चली गई? तभी कल्लू को दोबारा से वही डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो बेड के पीछे झांकता है। उसकी आंखें डर के मारे फटी रह जाती हैं। गौरी एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। अरे मर गया रे, ये गौरी तो चुड़ैल निकली, अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर कल्लू कमरे से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तभी कल्लू का लॉकेट बाहर निकल जाता है। चुड़ैल बनी गौरी लॉकेट देखते ही बेहोश हो जाती है। कल्लू उसे उठाकर बेड पर लिटाकर उसे बांध देता है। कुछ देर बाद चुड़ैल को होश आता है। अरे मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, देखो मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरे हाथ खोल दे, मेरे हाथ पैर खोल दे, खोल मुझे। अगली सुबह गौरी से चुड़ैल का साया हट जाता है और वो फिर से गौरी बन जाती है। फिर कल्लू गौरी को सारी बात बताता है। एक काम करिए जी, आप मुझे उसी जंगल में छोड़ आइए, नहीं तो शायद मैं किसी रात आपकी जान न ले लूं। कैसी बात करती हो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति क्या सिर्फ अच्छे समय में साथ देने के लिए होते हैं? तुम चिंता ना करो, हम साथ मिलकर इस समस्या का कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे। फिर उसके बाद गौरी और कल्लू सारी बात गौरी के माँ बाप को बताते हैं। बात सुनने के बाद गौरी के पिताजी, वाह बेटा, मैं तो धन्य हो गया तुम्हारी जैसा बेटा पाके। तुम मेरी बेटी के इस पूरे समय में उसका कितना साथ दे रहे हो, वाह वाह। अरे पिताजी, मेरी वाह वाह में समय मत बर्बाद करो, बल्कि ये बताओ गौरी को ठीक कैसे करना है, है कोई उपाय? बेटा एक उपाय तो है, तुम कान इधर लाओ। गौरी के पिताजी कल्लू के कान में कुछ बोलते हैं। उधर रात फिर से हो जाती है। ये जी मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं मैं तुम्हारी जान न ले लूँ, ये चुड़ैल फिर से हावी हो जाएगी मुझ पर। चुप करो और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। तभी कल्लू एक रस्सी लाता है और उसे एक बेड से बांध देता है। फिर जैसे ही रात होने लगती है गौरी चुड़ैल बनने लगती है और वो डरावनी आवाजें निकालने लगती है। तभी गौरी के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वाह शाबाश बेटा, वाह, बस अब इस गौरी को मंदिर तक ले जाना है, बस उसके बाद तो सारा काम बजरंग बली ही कर देंगे। उसके बाद गौरी के पिताजी और कल्लू बंधी हुई चुड़ैल को उठा लेते हैं और हनुमान जी के मंदिर लेकर जाते हैं। हनुमान जी को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नाज बिटो, ये मुझे कहाँ ले आए, मुझे छोड़ दो, मैं इस लड़की को भी छोड़ दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी कल्लू एक और रस्सी लाता है और उससे गौरी और बजरंग बली को बांध देता है। आ, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, आ, आ, रुक जा, ऐसा मत कर, रुक जा दुष्ट। लेकिन कल्लू उसकी एक बात नहीं सुनता और रस्सी बांध देता है। रस्सी के बांधते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और गौरी का शरीर वापस आने लगता है। आ, आ, छोड़ दो, मत करो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है और गौरी का शरीर चुड़ैल से मुक्त हो जाता है। कल्लू, कल्लू मैं ठीक हो गई,
पिताजी, पिताजी मैं ठीक हो गई।